हेलो एवरीवन, वेलकम इन एक्सक्लूसिव मेडिकल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल डाइवर्सिटी की। एनिमल डाइवर्सिटी काफ़ी आसान टॉपिक है और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है नीट एग्जाम में। तो अगर आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ लें तो आप इजीली सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर। कई लोगों का मानना ये होता है कि एनिमल डाइवर्सिटी एक रटने का टॉपिक है, लेकिन रटने वाली चीज़ें सभी टॉपिक के अंदर होती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। अगर आप एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वहाँ आपको टाइडल वॉल्यूम याद करना होता है, ERV याद करना होता है, IRV याद करना होता है, PO2, PCO2, ये सारे प्रेशर आपको याद करने होते हैं। लेकिन सभी चीज़ों को याद करने का एक अपना एक तरीका होता है। इस चैप्टर को किस तरीके से अच्छे से समझा जाए, किस तरीके से इसको याद किया जाए ताकि आप इस पर ईजीली अपनी कमांड बना सकें, ये सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मैं हूँ भीमराज शर्मा और आप सभी का एक्सक्लूसिव मेडिकल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तरीका इस चैप्टर को समझने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। एनिमल डाइवर्सिटी की जो बेसिक नीड है समझने के लिए वो है कंपैरिजन करना। आपको प्रत्येक फाइलम को कंपेयर करना है उसके आगे वाले फाइलम से, उसके पीछे वाले फाइलम से, ठीक है। प्रत्येक फाइलम अपने पीछे वाले फाइलम से एडवांस होता है और आगे वाले फाइलम से थोड़ा लोअर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ लिखा हुआ है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। जो सिलेंट्रेटा होता है ये पोरीफेरा से थोड़ा एडवांस होता है और टीनोफोरा से थोड़ा लोअर होता है। ऐसे कौन से फीचर है जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये एडवांस है, ये थोड़ा लोअर है? तो ये सारे फीचर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है, जैसे हम बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा फिर है सिलोम, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, डिप्लोब्लास्टिक, टिप्लोब्लास्टिक, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, लोकोमोशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल और रिप्रोडक्शन। तो ये सारे फीचर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ये सब फीचर ही हम प्रत्येक फाइलम के अंदर पढ़ते हैं और इन फीचर के बेस पे हम कंपेयर करते हैं एक फाइलम को दूसरे फाइलम के साथ, ठीक है। पोरीफेरा से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे वाले फाइलम की तरफ बढ़ेंगे, जैसे इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा की तरफ, वर्टिब्रेट्स की तरफ, तो ये सारे जो फीचर ये सारे एडवांस हो जाते हैं, एडवांस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये सारे फीचर। जैसे सबसे ज़्यादा एडवांस जो सिस्टम होते हैं वो होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, और वर्टिब्रेट्स में भी होते हैं मैमल्स के अंदर, और मैमल्स में होते हैं ह्यूमन के अंदर, और ह्यूमन के सारे जो सिस्टम हैं जैसे डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्शन, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो आपको इन सभी सिस्टम का एडवांस लेवल पता है जो ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है। तो आप जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का एडवांस लेवल क्या हो सकता है, एक 4 चैम्बर्ड हर्ट होना चाहिए और उसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन हो, तो ये होता है एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी में एडवांस क्या हो सकता है कि इसमें नेफ्रॉन हो, नेफ्रॉन के साथ हेनली लूप हो, DCT हो, PCT हो, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो, तो ये सारा एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो ह्यूमन के अंदर होता है। और जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एडवांस लेवल क्या हो सकता है, उसमें न्यूरॉन हो, ब्रेन हो, और स्पाइनल कोड, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रेगुलेशन हो, रिफ्लेक्स हो, तो ये सारा एडवांस लेवल है जो ह्यूमन के अंदर होता है। तो इन सब के ये सारा जो बेस है, आप इसके बेस पे आप कंपेयर कर सकते हैं, अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं किसी भी फाइलम के साथ, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन के अंदर होता है एडवांस सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन फीचर्स की। इसमें सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो काफ़ी प्रिमिटिव होता है, जो प्रिमिटिव फाइलम के अंदर होता है, जैसे पोरीफेरा। फिर उसके बाद आता है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हायर फाइलम में होता है, एडवांस फाइलम में होता है, ठीक है। फिर आता है सिलोम। सिलोम जो लोअर एनिमल, जो लोअर फाइलम है, लोअर एनिमल है, उनमें होता है, वो होते हैं असिलोमेटिक और स्यूडोसिलोमेटिक, और जो एडवांस होते हैं, हायर होते हैं, वो होते हैं सिलोमेटिक, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री असिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, ये 3 तरीके की सिमेट्री होती है। तो एडवांस जो एनिमल हैं, एडवांस फाइलम हैं, उनमें होता है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। सेगमेंटेशन जो होता है ये है, इसमें होमोमेरिक सेगमेंटेशन और हेट्रोमेरिक सेगमेंटेशन। हायर एनिमल्स में होता है हेट्रोमेरिक सेगमेंटेशन, और जो जैसे ऑर्थोपोडा है, एनेलिडा है, इनमें होता है होमोमेरिक सेगमेंटेशन, जहाँ रिपीटेशन होता है ऑर्गन का, ठीक है।
डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो लोअर एनिमल हैं, लोअर फाइलम हैं, उनके अंदर दो जर्म लेयर होती है, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और जो हायर एनिमल हैं, हायर फाइलम हैं, उनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म, तीनों जर्म लेयर होती है, ठीक है। और तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारे फीचर भी एडवांस होते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का आपको पता है कि कौन सा जीव कहाँ पर रहता है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब कोई भी जीव हम बाहर से देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है कि पत्तियों का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, लीव्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, फ्लावर का विन्यास किस कैसा है, फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स है, कोरोला है, उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, तो वो सारे फीचर आप इजीली देख के पता लगा सकते हैं। तो ये फीचर एनिमल फाइलम के अंदर भी है, तो आप इजीली वो देख के पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर हेड है, नेक है, थोरेक्स है, ये सारा आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लोकोमोशन, जो आपको पता है, एग्जाम्पल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है याद करना उनको। फिर होता है स्पेशल फीचर, जो स्पेशल फीचर के अंदर, जैसे आपको पता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर जल संवहन तंत्र होता है ना, तो वो स्पेशल फीचर के अंदर आता है। जैसे पोरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है, तो ये सब याद करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव आपने पढ़ा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, एक्सक्रीटरी पढ़ा हुआ है, सर्कुलेटरी, सारे रेड कलर वाले आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम और सिमेट्री, ये तीनों का चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी में, जहाँ से आप इन्हें इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन सब फीचर में से, मैं आपको केवल तीन फीचर बताने वाला हूँ, मॉर्फोलॉजी, लोकोमोशन, जो मैंने पूरे को एक बनाया है एक डिब्बे के अंदर। फिर मैं बात करूँगा डाइजेस्टिव की और एक्सक्रीटरी की, तीनों का मैं कंपेरिजन करूँगा पोरीफेरा से लेकर हेमिकोरिडा तक, वहाँ तक मैं कंपेयर करके बताऊँगा आपको प्रत्येक फाइलम में इन तीन फीचर को, मॉर्फोलॉजी, लोकोमोशन, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी। इसके अलावा ये जितने भी हैं, इन सब फीचर को आप एनसीईआरटी को दो तीन बार पढ़िए और उनमें से ये सभी फीचर को आइडेंटिफाई करिए, उनको हाईलाइट करिए, और आप एक चार्ट बना सकते हैं जिससे आप इजीली वहाँ ये सारे सिस्टम लिख के, उनके सामने ये सारे फीचर जो हैं, जो आपने उनके अंदर पढ़ा है उन्हें लिख के आप इसे इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, लोकोमोशन, डाइजेस्टिव और एक्सक्रेटरी, तीनों की हम बात करते हैं पूरे पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, हेमिकोरेटा तक, ठीक है। गाइज मैंने यहाँ पे तीन फीचर लिखे हुए हैं, जिनमें सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी, लोकोमोशन, ये पूरा एक ही है, दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा है एक्सक्रेटरी सिस्टम। हम इन तीनों फीचर की बात करेंगे पोरीफेरा से लेके हेमिकोरेटा तक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा की, और पोरीफेरा को मैं आपको एनसीईआरटी से बताने वाला हूँ। पोरीफेरा में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी की, तो इसके लिए आप सबसे पहले साइकन साइफा को देखिए। साइकन साइफा में तीन बड़े छेद दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं ओस्कुलम, जो छोटे छोटे छेद हैं इनको हम बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया से वाटर अंदर एंटर करता है और ओस्कुलम से बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जल सूक्ष्म रंध्र ओस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा, स्पंज सेल में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। ये है मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। आप इजीली इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि ये मतलब आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन की, इसमें लोकोमोशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम कुछ लिखेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसमें लिखा हुआ है, इस जल परिवहन का रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने में सहायता सहायक होता है। तो जल परिवहन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये एक काफ़ी प्रिमिटिव टाइप का फाइलम है, इसमें केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना तो इसमें टिश्यू होता है, ना ऑर्गन सिस्टम, ना ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें लेकिन जो ये लिखा हुआ है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है, जमा करने का, तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो हम इसी बॉक्स के अंदर इसे लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, जल परिवहन का रास्ता भोजन जमा करने में सहायक है, ठीक है। और इसमें अब आगे लिखा हुआ है, कोशिकाओं में पाचन होता है अंतराकोशिक, मतलब इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, तो ये रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसमें लिखा हुआ है कि जल परिवहन का रास्ता अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होता है।
तो ये आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो इसमें लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें जल परिवहन का रास्ता श्वसन में भी सहायता करता है, तो ये आपको जब ये रेस्पिरेटरी में, आपको इसको बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन जब आप लिखें तो रेस्पिरेटरी के अंदर लिखें कि जल परिवहन का रास्ता श्वसन में भी सहायता करता है। तो जल परिवहन का रास्ता डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और एक्सक्रीटरी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेंट डेटा की। अब सिलेंट डेटा की बात करते हैं, सिलेंट डेटा में सबसे पहले हम लेते हैं मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी में इसमें लिखा हुआ है कि इनके अंदर टेंटिकल्स होते हैं जिसके अंदर नाइडोब्लास्ट सेल होती है जो प्रोटेक्शन का, सेल्फ डिफेंस का काम करती है और शिकार को पकड़ने का काम करती है। ये रिलेटेड हो गया मॉर्फोलॉजी से। इसमें लोकोमोशन से रिलेटेड भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पॉलिप स्थावर, पॉलिप इसमें लिखा हुआ है इसका शरीर दो आकारों पॉलिप और मेडुसा से बनता है, पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है। मतलब पॉलिप जो अवस्था होती है स्थायी होती है, स्टेबल होती है, और जो मेडुसा होता है छतरी के आकार का, ये मुक्त प्लावी फ्री स्विमिंग होता है। तो ये रिलेटेड है लोकोमोशन से, तो आप इसके लिए लोकोमोशन में लिखेंगे सिलेंट डेटा के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर अपूर्ण होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इससे रिलेटेड कि इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है, तथा इनमें अंतःकोशिक एवं मतलब और अंतराकोशिक इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो ये सारी जो लाइन है ये रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो आपको सिलेंट डाटा के अंदर इस बॉक्स में इस लाइन को लिखना है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में सिलेंट डाटा के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसे आप खाली छोड़ दें इस बॉक्स को। अब बात करते हैं टीनोफोरा की। टीनोफोरा में क्या लिखा हुआ है, टीनोफोरा में मॉर्फोलॉजी में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें जो लोकोमोशन से रिलेटेड लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभि कंकत पट्टिकाएं, 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कंकत पट्टिका होती है, कॉम्ब प्लेट होती है जो इनको चलन में सहायता करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो ये लोकोमोशन से रिलेटेड है जो टीनोफोरा के अंदर आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें अपूर्ण होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि अंतःकोशिक और अंतराकोशिक मतलब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का होता है। तो इसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखें कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम अपूर्ण होता है लेकिन इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का होता है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसको आप खाली छोड़ दें। अब हम बात करते हैं प्लेटे एल्मेंथीज के लिए। प्लेटे एल्मेंथीज में मॉर्फोलॉजी और लोकोमोशन से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजी से लिखा हुआ है इसमें रिलेटेड इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप इसे मॉर्फोलॉजी वाले उसमें बॉक्स में लिखें। लोकोमोशन से रिलेटेड इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें अपूर्ण होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इससे रिलेटेड चीज़ें, परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं, कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोष से सीधे अपने शरीर की सतह से एब्जॉर्व करते हैं। तो जब ये किसी दूसरे प्राणी से भोजन एब्जॉर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो इनको डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इनमें अपूर्ण होता है, और लेकिन ये सारा जो लिखा हुआ है ये है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो उस बॉक्स के अंदर लिखें। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्लेटल एल्मेंथिस के अंदर। इसमें लिखा हुआ है ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है, तो ये है रिलेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो ये उस बॉक्स के अंदर लिख दें। अब बात करते हैं एस्केल्मेंथीज की। एस्केल्मेंथीज गोलकर्मी, इसमें मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड लिखा हुआ है कि एस्केल्मेंथीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है इसलिए इनको गोलकर्मी बोलते हैं। और अब लोकोमोशन से रिलेटेड, इसमें लोकोमोशन से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें है, लिखना है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण विकसित होता है, आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी मस्कुलर फेरिंग्स होता है, ये आपको लिखना है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बॉक्स के अंदर। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एस के एल्मेंथीज में इसमें लिखा हुआ है उत्सर्जन नाल
शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र से बाहर निकालती है। यह लाइन रिलेटेड है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो उस बॉक्स के अंदर लिखें। अब बात करते हैं एनेलिडा की। एनेलिडा में आपको लिखना है मोर्फोलॉजी और लोकोमोशन से रिलेटेड। मोर्फोलॉजी से रिलेटेड है, इनका शरीर सतह, इनकी शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटी होती है, ठीक है। और लोकोमोशन से रिलेटेड लिखा हुआ है इसमें, प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन में सहायता करती है। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद उपांग पेरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। ये रिलेटेड है लोकोमोशन से, तो मॉर्फोलॉजी लोकोमोशन वाले बॉक्स के अंदर आप इसे लिखें। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपको लिखना है कि इनमें पूर्ण होता है, लेकिन और इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इसमें लिखा हुआ है वृक्क एक वचन नेफ्रिडियम परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायता करते हैं, तो ये रिलेटेड है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो उस बॉक्स के अंदर लिख दें। अब हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा की। ऑर्थोपोडा के अंदर आपको लिखना है मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है, इनमें संधि युक्त पाद भी होते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी और लोकोमोशन दोनों से रिलेटेड हो गया। संधि युक्त पाद हो गए रिलेटेड लोकोमोशन से, और शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है, ये हो गया मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर पूर्ण विकसित होता है। बात करते हैं अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी में लिखा हुआ है उत्सर्जन मेल पी की नलिकाओं द्वारा होता है, तो ये एक छोटी सी लाइन है जो रिलेटेड है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। अब बात करते हैं मोलास्का। मोलास्का में सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। इनका शरीर अखंडित जिसमें सिर पेशीय पाद मस्कुलर फुट तथा एक अंतरंग कुकुद वेस्कुलर हम्प पाया जाता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड हो गया मॉर्फोलॉजी से। और अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर पूर्ण विकसित होता है। और अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इसमें लिखा हुआ है कुकुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं। तो जो ये पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, ये श्वसन में भी सहायता करते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड लाइन लिखी हुई है ये, और ये उत्सर्जन से भी सहायता करते हैं, मतलब ये एक्सक्रीटरी से भी रिलेटेड है। तो आपको ये वाली लाइन दोनों ही बॉक्स के अंदर लिखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा में लिखा हुआ है कि मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड देखते हैं सबसे पहले। मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लोकोमोशन से रिलेटेड इसमें लिखा हुआ है कि जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है जो तो चलन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। इसमें लिखा हुआ है जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है जो चलन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायता करती है। तो जल संवहन तंत्र चलने में सहायता करता है, मतलब लोकोमोशन से रिलेटेड है। भोजन पकड़ने में मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तथा श्वसन में मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये वाली लाइन आपको तीनों ही बॉक्स के अंदर लिखनी है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, तो ये एक लाइन रिलेटेड है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो उस बॉक्स के अंदर आपको लिखनी है। अब बात करते हैं हेमिकोरेटा की। हेमिकोरेटा में मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड लिखा हुआ है कि इनका शरीर बेलनाकार है तथा शुंड तथा कोलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है, तो ये रिलेटेड है मॉर्फोलॉजी से। लोकोमोशन से रिलेटेड इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण विकसित होता है, ठीक है, तथा इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड लिखा हुआ है कि इनमें शुंड ग्रंथि इनके उत्सर्जी अंग हैं, तो ये रिलेटेड है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। इस तरीके से हमने सारे पोरिफेरा से लेके हेमिकोर्डेटा तक मॉर्फोलॉजी लोकोमोशन डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंपैरिजन किया, इनको हमने देखा है इसके अंदर। इस तरीके से हमने तीन फीचर की बात करी, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी और मॉर्फोलॉजी लोकोमोशन। लेकिन इनमें और भी कई फीचर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। जब भी आप किसी फाइलम को पढ़ें तो इन सभी फीचर को ध्यान में रखते हुए पढ़ें, और आप चाहे तो इनका एक चार्ट बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ।
कि अगर आप क्या होगा, आपका इंडेक्स क्या होना चाहिए, लगभग 13 फीचर है इसके अंदर। इनमें सबसे पहले आपको लिखना है एग्जाम्पल, दूसरा आपको लिखना है हैबिटेट, तीसरा आपको लिखना है सिमेट्री ओब्लिक करके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फोर्थ आपको लिखना है सीलोम ओब्लिक करके सेगमेंटेशन ओब्लिक करके डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ, फिफ्थ में आपको लिखना है मोर्फोलॉजी और लोकोमोशन, सिक्स में आपको लिखना है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेवन्थ में आपको लिखना है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एट्थ में आपको लिखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाइन्थ में आपको लिखना है नर्वस सिस्टम, टेंथ में आपको लिखना है स्केलेटल सिस्टम, इलेवेंथ में आपको लिखना है रिप्रोडक्शन सिस्टम, ट्वेल्थ में आपको लिखना है सर्कुलेटरी सिस्टम। आप पहले सर्कुलेटरी को लिखें, रिप्रोडक्शन को बाद में लिखें, ठीक है। और थर्टीन में लिखना है आपको स्पेशल फीचर, ठीक है। मैं आपको पोलीफेरा का एग्जांपल लेके बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसको फिलअप करना है। ये एक इंडेक्स हो जाएगा, 13 फीचर्स का एक इंडेक्स है जिसे आप हर एक फाइलम में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। पोलीफेरा में जब आप अगर हम बात करें पोलीफेरा की, तो पोलीफेरा के जो भी एग्जाम्पल है उसको सबसे पहले ऊपर लिखे चार्ट में, एग्जाम्पल वाले डिब्बे के अंदर हैबिटेट में जो क्या उसका हैबिटेट है उसको लिखें, शॉर्ट में लिखें, जितना आप शॉर्ट में लिख सकते हैं उतना लिखें, ताकि आप इजीली आपका चार्ट ज्यादा बड़ा नहीं बने और इजीली इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाए कम से कम टाइम के अंदर। तीसरा जो आपको है इसमें लिखा हुआ सिमेट्री और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पॉलीफेरा में सिमेट्री होती है असिमेट्रिकल, तो आप बस असिमेट्रिकल लिखें, इस वाले बॉक्स में आप लिखें असिमेट्रिकल, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जगह आप लिखेंगे इसमें होता है सेलुलर टाइप, तो असिमेट्रिकल ओब्लिक करके आप लिखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चौथा जो है सीलोम, तो पॉलीफेरा के अंदर होता है असीलोमेटिक, सेगमेंटेशन होता है एब्सेंट, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक में होता है ये डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो इस चौथे वाले डिब्बे के अंदर आप लिखेंगे सीलोम की जगह असीलोमेटिक ओब्लिक करके एब्सेंट ओब्लिक करके डिप्लोब्लास्टिक, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर फिफ्थ वाला मैंने आपको बता दिया, सिक्स सेवन्थ ये भी मैंने आपको बता दिया, एट्थ वाले में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई है। इस तरीके से आपको पूरा चार्ट फिलअप करना है प्रत्येक फाइलम के अंदर, और इस तरीके से आप इसे, ये एक तरीका है एनिमल डाइवर्सिटी को याद करने का, आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे कॉमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।